के पूर्व प्रत्याशी से मांगी गई रंगदारी, फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। बसपा से पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद सगीर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। एसएसपी दफ्तर चला अध्यक्ष और बसपा नेता मोहम्मद सगीर दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ शिकायत करने पहुंचे, जहां उन्होंने नामजद शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि फोन से रंगदारी मांगी गई है, नहीं देने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं बताया गया कि धमकी देने वाला गिरोह कोटा के हीरा व्यापारी के यहां डकैती डालने के मामले में गोवा पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था, जहां से 6 वर्ष बाद छूट कराया गया और अब यहां आकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वहीं एसपी क्राइम ने शिकायत पत्र के आधार पर थाना कुआरसी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए गए। हाँ, इसमें बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके पदाधिकारी एक आके पत्रक दिए थे, उसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया था। उसमें कुछ बिंदु थे जिसके संबंध में ऑलरेडी उन्होंने पहले एक एप्लीकेशन दिया था, उस पर थाना कुआरसी में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसकी विवेचना की जा रही है। जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दिया है उसको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है, टीमें लगी हुई हैं, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बाकी जो बिंदु हैं वो संबंधित CO साहब को और SHO साहब उसको दिख पा रहे हैं और उनको प्रॉपर जो विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कराई जा रही है। थैंक यू सर। मेरा नाम मोहम्मद सगीर है, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी छर्रा से। मैं 2017 का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। कुछ शरारती तत्व गुंडे क्रिमिनल इन्होंने रंगदारी कर रहे हैं जो अलीगढ़ शहर में, और चौथ वसूली का काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझको भी धमकाया, जान से मारने की धमकी दी है मुझे, और मुझसे चौथ मांगने का काम किया है। इस संज्ञान इसको लेकर, इस प्रकरण को लेकर मैं कप्तान साहब से मिलने आज SSP कार्यालय आया हुआ हूँ। मेरी बहुजन समाज पार्टी मेरे साथ है, पूरी टीम के साथ मैं और ट्रांसपोर्ट बस ऑपरेटरों के साथ मैं यहाँ कप्तान साहब से मिला हूँ। कप्तान साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से आपकी सुरक्षा की जाएगी और आपको कानून के दायरे में रहकर कानून व्यवस्था के साथ उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कौन लोग हैं वो? अलीगढ़ में ये छर्रा विधानसभा से ही अटैच लोग हैं, ये शानू कादिर, और इन्होंने एक गैंग बना लिया है। ये कादिर जो है, ये जो अदनान यासीन और नामी गैंग का एक ये लड़का है, इसने कोटा डकैती में हीरा व्यापारी के यहाँ डकैती डाली थी, जो ये वहाँ गोवा से गिरफ्तार हुआ था और 6 साल जेल काट कर ये अब आ गया है। अब आने के बाद ये फिर आतंक फैला रहा है यहाँ और चौथ वसूली रंगदारी दिखाकर पैसे मांग रहा है लोगों से। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने आपको? मुझे प्रशासन आश्वासन जो प्रशासन ने दिया है पूरा, उनको गिरफ्तार करने का और पूरी तरीके से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।